हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा जैक स्नाइडर्स जस्टिस लीग के रिव्यू के बारे में। जैक स्नाइडर्स जस्टिस लीग ये एक एक्शन फैंटेसी सुपर हीरो फिल्म है जिसे आज के दिन HBO मैक्स पर रिलीज कर दिया गया है। फिल्म को डायरेक्ट किया है जैक स्नाइडर ने और फिलहाल इस फिल्म को सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही रिलीज किया गया। वही फिल्म की कास्ट में है एक्टर बेन अफ्लेक, हेनरी कैविल, गैल गैडोट, रे फिशर, इज़रा मिलर एंड जेसन मोमोआ। तो फ्रेंड्स, बात करूँ प्लॉट की तो फिल्म का प्लॉट कुछ हद तक वही है जो हमने जॉस व्हीडन की जस्टिस लीग में देखा था, जहाँ स्टीफन वुल्फ को मदर बॉक्स चाहिए जिनमें से एक अमेज़ोनियंस और उसके बीच हुई लड़ाई के बाद अब उसके पास है। तो मदर बॉक्स को वापस लाने और दुनिया को बचाने के लिए बैटमैन एक टीम बनाता है जिस टीम का नाम है जस्टिस लीग। तो क्या सभी सुपर हीरोज मिलकर स्टीफन वुल्फ को रोक पाते हैं या नहीं, ये जानने के लिए तो आपको इस फिल्म को देखना होगा जो कि नो डाउट आप देखोगे ही, जिसका नाम है जैक स्नाइडर्स जस्टिस लीग। तो फ्रेंड्स, फाइनली फिल्म जैक स्नाइडर जस्टिस लीग को रिलीज कर दिया गया है, जिसको लेकर कुछ लोगों के मन में यही सवाल कि आखिर क्यों वो लोग सेम फिल्म को दोबारा देखें? क्या सिर्फ इसीलिए कि इस बार फिल्म के साथ नाम फिल्म के ओरिजिनल डायरेक्टर जैक स्नाइडर का जुड़ा है और वो भी तब जब फिल्म की लेंथ 4 घंटे है? तो क्या फैंस को इस फिल्म को करीब 4 घंटे देने भी चाहिए या नहीं? तो फ्रेंड्स, इसका सीधा और साफ जवाब है जी हाँ, क्योंकि जॉस व्हीडन की बनाई गई जस्टिस लीग एक टाइम पास सी फिल्म है। वहीं जैक स्नाइडर्स जस्टिस लीग एक परफेक्ट जस्टिस लीग फिल्म है, जैसी जस्टिस लीग फिल्म फैंस DC के यूनिवर्स में देखना चाहते थे, जिसका फैंस ने काफी बेसब्री से वेट किया है क्योंकि ये फिल्म हर एक मामले में बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, जैसा कि जैक स्नाइडर ने फैंस से प्रॉमिस किया था, जिनमें से मैं पहले बात करूँ कैरेक्टर्स की। तो हर एक कैरेक्टर की डिटेल्स तो मैं आपको इस वीडियो में नहीं दूंगा क्योंकि ये एक स्पॉइलर फ्री रिव्यू है, पर बात करूँ कैरेक्टर्स की तो जैसा कि जैक स्नाइडर ने कहा था कि साइबॉक का कैरेक्टर हार्ट ऑफ दी फिल्म है। तो हाँ फ्रेंड्स, फिल्म में साइबॉक की ओरिजिन और विक्टर और उसके पिता के बीच के रिलेशनशिप्स को बहुत नहीं बल्कि काफी अच्छे से दिखाया गया है, जो कि जॉस व्हीडन की जस्टिस लीग से पूरी तरीके से गायब थी। वहीं फ्लैश की पावर्स को भी काफी अच्छे से एक्सप्लोर किया गया है और एक्वामैन की स्टोरी एंगल को भी, जो कि अगेन जस्टिस लीग फिल्म से गायब थी, जो इस फिल्म में है और वो भी काफी अच्छे से। वहीं बैटमैन, वंडर वुमन, सुपरमैन और फिल्म का विलन स्टीफन वुल्फ हर एक कैरेक्टर को काफी अच्छे से डेवलप कर फिल्म में हमारे सामने प्रेजेंट किया गया है। सीधा सीधा कहूँ तो कैरेक्टर डेवलपमेंट में ये फिल्म लाजवाब है। और अब बात करूँ प्लॉट की तो भले से ही फिल्म का प्लॉट वही है पर उसकी प्रेजेंटेशन बिल्कुल नहीं, जैक स्नाइडर के लेवल की, यानी बहुत ही ज्यादा बेस्ट, जिसका रीजन है डिटेल्स जो हम फिल्म के हर एक सीन या फिर यूं कहूँ हर एक चीज में देख सकते हैं, जिसका फैंस ने काफी ज्यादा वेट किया है, जिसे देखना किसी सपने से कम नहीं, जैसे बैटमैन का ड्रीम सीक्वेंस, साइबॉक की ओरिजिन, जैरेड लेटो का जोकर और सबसे खास जस्टिस लीग का सबसे बड़ा विलन डार्क साइड का कैरेक्टर जो हमें इस फिल्म में देखने को मिला, और इन सभी चीजों को फिल्म में काफी अच्छे से दिखाया गया है क्योंकि प्रेजेंटेशन के मामले में ये फिल्म बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। और हाँ, फिल्म का डायरेक्शन भी, क्योंकि फिल्म के डायरेक्टर हैं जैक स्नाइडर, जिनके डायरेक्शन के बारे में मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको कुछ भी बताने की बिल्कुल भी जरूरत है, इसीलिए आगे बढ़ते हुए बात करूँ एक्टिंग की तो इसमें कोई शक नहीं कि फिल्म में सभी की परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा बेस्ट है, इतनी कि फिल्म का हर एक कैरेक्टर आपको पसंद आएगा क्योंकि फिल्म की लेंथ है 4 घंटे, जिसके चलते हर एक एक्टर को बराबर का स्क्रीन टाइम दिया गया है, जिसके चलते अगेन हर एक कैरेक्टर और एक्टर्स की एक्टिंग आपको पसंद आएगी। तो अब बात करूँ एक्शन की जो एक या दो नहीं फिल्म में काफी सारे हैं और हर एक एक्शन सीन लाजवाब है, स्पेशली फिल्म का फाइनल बैटल। और हाँ, फिल्म का CGI भी, जो अगेन जॉस व्हीडन की जस्टिस लीग फिल्म के मुकाबले बहुत ही ज्यादा बेस्ट। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कि फिल्म बाकी मामलों में कैसी है, जैसे BGM जो नो डाउट काफी बढ़िया है। और बात करूँ एडिटिंग की तो फिल्म की लेंथ कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए फिल्म का एक वीक पॉइंट होगी, पर बात करूँ मेरी तो मैंने इस फिल्म को काफी ज्यादा इंजॉय किया, जिसके चलते मेरी नजर में ये फिल्म एडिटिंग के मामले में भी पूरी तरीके से पास होती है। तो ओवरऑल मेरी नजर में जैक स्नाइडर जस्टिस लीग बेस्ट सुपर हीरो फिल्मों में से एक है,
जिसमें वो सब कुछ है जो फैंस एक सुपर हीरो फिल्म में देखना पसंद करते हैं और डीसी फैंस जैक स्नाइडर जस्टिस लीग में देखना चाहते थे। जैक स्नाइडर जस्टिस लीग जैक स्नाइडर का ड्रीम प्रोजेक्ट है और फैंस के लिए एक तोहफा जिसे उन्हें बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। तो अब इस एपिक सी फिल्म को एपिक से स्टार देकर वीडियो को करते हैं यहीं खत्म, जो है 5 स्टार्स। तो फ्रेंड्स, ये था जैक स्नाइडर जस्टिस लीग फिल्म को लेकर मेरा रिव्यू। और अगर आपने भी ये फिल्म देख ली है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना आपको ये फिल्म कैसी लगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक बेल आइकन आएगा उसको भी दबा देना ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।